सफाई और देख के तबीयत खुश हो रही है कि यार अब करीब ये तेरे कर्म के फैसले हैं कि आपने ऐसे मतलब मुझे लगाई है कि जिन्होंने थोड़ी यतीम होने का साहस ही नहीं होना चाहिए, उन्हें माँ और बाप दोनों तरफ से प्यार दिया। उसके अलावा दूसरी खुशी अलखिदमत फाउंडेशन में आके ये हुई है कि माशाल्लाह मैं जान गया मेरी तवक्को से बढ़कर यहाँ पे लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का समाज जा चुका है समाज को बिगाड़ के लिए और करोड़ों का मौजूद है जिसमें इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए खाने पीने की हर चीज दालें चावल मसाला जात घी चीनी अद्वियात पहनने के लिए कपड़े खोलने के लिए बिस्तर हर चीज दुनिया की मौजूद है। जो हिंदुस्तान के कार को माशाल्लाह जो सैकड़ों की तादाद में उन्हें पैकिंग कर रहे हैं और उन इंसानियत की खिदमत के लिए रहा लेके सखर बुला के मुख्तलिफ ऐसे ही समझ जाएंगे जहाँ पर इंसानियत की जरूरत है चीज़ों की। सर अलखिदमत इस वक्त पाकिस्तान की नंबर वन जो हमें नज़र आ रही है पूरे मुल्क के अंदर इंसानियत की खिदमत हम लोगों का एतमाद है हर अदारे के नीयत ही कैसी की है जिसे खुदा जानता है। फिर अल्लाह के फैसले हैं। मैं मुझे ये इतना ही खुशी है हिम्मत फाउंडेशन में लोगों ने इतना इतबाद किया है पूरे पाकिस्तान से और ध्यान दूसरे मुल्कों से मेरे अपने सिटी गुजरावाला ने अब तक कम अज कम और माशाल्लाह रंधावा साहब के कि अब तक 60 करोड़ रुपए का सामान हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं और आगे आ रहे हैं। हमें माशाल्लाह डेली मैसेज से पता ही नहीं कि कहाँ था। इधर मैंने देखा कि नए नए ब्रांड के सूट है जो आज के दौर में अच्छे खासे कारोबारी लोगों के नसीब में नहीं है वो भी मैंने देखे। बाकी बिस्तर देखे हैं और चीज़ें देखी या हिंदुओं के लोगों का इतमाद और इतकाल है कि जिसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं कि ऐसे इदारे को लोगों ने चुना है कि जो वाकई उन लोगों हकदारों को उनका हक पहुँचा कर आएगा। आखिर पे कुछ पैगाम देना चाहते हैं अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से वर्कर दिन रात सलाबजदगार भी और बच्चों की किस तरह खत्म करें तो इन शाह आप जरूर इंशाला पूछें। ये वह तंजीम है कि जो हकदारों को हक पहुँचा के खुद अपने आप से आ रहे जी। मेरे साथ अलखिदमत गुजरावाला के जिम्मेदार मोहतरम
हालत अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो ये जितनी सरगर्मी हो रही है और कितना सामान और कितनी देर से है और इसके आगे क्या प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया सर। अब तक अलकिबत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर नंबर वन पोजिशन पर है, नज़र आ रही है किसी भी शहर ये इससे पहले भी जब भी पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त आया हमेशा। देखिए इस दफ़ा अलखिदमत को पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा देखा गया मजाई मिली और हर तरफ से उनके लिए अच्छे अल्फाज तैयार किए। आप इसके पीछे अलखिदमत का जज्बा है लेकिन गुजरा वाला भी किसी से पेश पेशा इसके पीछे नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये एक बड़ा सर्दी शहर है तो ये अपना रोल किस हद तक अदा करेगा अपने मुल्क की इस मुश्किल हालात में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम सरकार सब जो साहब है उनका भी बड़ा मशहूर अपनाई करवाई को सराहा। अलहमदिल्ला जी हिंदू फाउंडेशन ने शोभा डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप किया है, बहुत ही मुनज़म तरीके से काम करने का इजहार है। इसके लिए पहले पहले से ही तैयारी में मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कायम थे और वहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग भी हो रही थी और वहाँ पर बाकायदा उन्होंने सामान स्टोर किया हुआ था हर किसी की एमरजेंसी का। ऐसा नहीं है कि ये एकदम रातों रात पूरे फैल गए और रेस्क्यू के लिए निकल आए। यकीनी तौर पर वहाँ पर अभी जो आबादियाँ थी उनकी हौसला अफजाई की गई लेकिन उसके पीछे गहरी प्लानिंग थी। अलखिदमत फाउंडेशन ने जैसे ही ये डिजास्टर हुआ है तो फौरी तौर पर अपने एक्टिव किया है और बहुत बड़े तौर पर मौजूद जो सामान था और वो मैनेजमेंट के माहिरीन थे उनको मुकामी लोगों तक पहुँचाया या उनको वहाँ पे जबानी या फोन के ऊपर हदायत दी और उस तरीके से फिर उन्होंने जितना रेस्क्यू करने का बहुत ज़रूरत थी वहाँ रेस्क्यू किया और उसके बाद रिलीफ का काम पाया था। अब तक गुजरा वाला से कितने सामान मालियत बताना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है लेकिन यहाँ इस सेंटर से जो वो सेंटर है कि यहाँ से हमने तकरीबन 250 से 300 का सामान भेजा है। अदरवाइज भी बहुत सा सामान ऐसा है कि जो हमने बाहर से भी जिस तरह में किसी डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको सामान मैंने देना चाहता हूँ तो वहीं से सामान उठाया हमने भेजा। इस तरह राजनपुर में सखर में और जगह पे कौन सा शरीफ में हमने सामान भेजे हैं हमारे साथी इधर से सामान के साथ कैश हुकूमत को लेके गए हैं और वहाँ जाके कैश हुकूमत आप सुनाते तादाद ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान के साथ साथ अब वो जो अगला मरला है उनकी रिहाइश का है वो भी बनानी है और उसके लिए भी आप खिदमत प्लानिंग करते हैं नज़र आ रही है। इस हवाले से सिलसिले में हमारी जो बातचीत है वो सुप्रीम वर्कर्स में जुड़ा था और अपने रीजन ऑफिस में जुड़ा था तो वहाँ पर मैरिट हो रही है बलोचिस्तान क्योंकि बहुत से इलाके हैं अभी पानी की जद में अभी वहाँ पर बहाली का काम शुरू करना महीने या डेढ़ दो महीने की बात ही था लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे तरीके में है और इसी तरह बलोचिस्तान के कुछ इलाके से पानी निकल गया वहाँ बहाली का काम शुरू हो और उसके लिए प्रपोजल भी तैयार हो रही है। कुछ को तो हम मरम्मत के लिए पैसे दे देंगे तो मेहनत कर लेंगे लेकिन वो आबादियाँ जो कि कच्चे में आबाद थी और उनके घरों समेत ज़मीन भी उनके हाथों से निकल गई अब उनके लिए जाए पनाह कोई नहीं। उसके लिए हमने 2010 में भी ये प्लानिंग की थी कि मुख्तलिफ शहरों को जो है ना वो एलोकेशन कर दी कि आपने इतने घर बना के इतनी बस्तियाँ बना के तो देखें अभी मरकज की तरफ से हमको प्लान आ जाएगा तो उसके मुताबिक हम देखेंगे। पिछले 2010 के हैदराबाद ने 150 घर की बस्ती बनाई थी जिसको दस करोड़ के रूप में खर्च आया। इस दफ़ा भी शायद इस किस्म की प्लानिंग आ जाए तो इंशाल्लाह मैं अहले दुनिया गुजरांवाला से मायूस नहीं हूँ और कभी भी हमने उन्होंने मायूस नहीं किया उनके अहतमाद किया जिसके जिसके लिए हमने उसके अहतमाद किया और अलहमदिल्ला हम इस पर फख्र भी करते हैं कि हम उस शहर से हैं जो अपने गाँव से खड़ा
होके उसने ये आगोश की ताबीर की है कि खालसा आगोश जहाँ आप ये भी गुजरांवाला की शायरी के ताउन से ही बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह जिस तरह 2010 में डेरा गाजीपुर में बस्ती को बना के दिया था, इसी तरह जो हमें जिम्मेदारी दी जाए डिवीजन की तरफ से या मरकज अलखदमत की तरफ से, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा करते हैं। आखिर में अलखदमत के पास हम आम पब्लिक को आने में आपका सेंटर बता दें और खास पैगाम देते हुए अलखदमत फाउंडेशन की जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं और उसके स्कूल हैं और इस तरह ये हमारा होश का मरकजी अदारा है, यहीं पे हमारा ज़िले दफ्तर भी, तो ये सारे सेंटर जो है एक्टिव हैं और वहाँ पे अमला जो है वो रसूमात की और सामान की वसूल कर रहे हैं, वहाँ हमारी रसीदों को मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा बैंक अकाउंट है जो हमने पब्लिश किया हुआ है, मरकज का भी, रीजन का भी, ज़िले का भी, किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करा के लिए होंगे वो बैंक नंबर दिया हुआ है, बैंक निजाम का अकाउंट भी है, बैंक एमसीबी बैंक का भी है, जो जो अकाउंट है हमारा जो खुदा वाला अकाउंट है बैंक इस्लामी ज़िले ही, तो वहाँ पैसे जमा करा के हमें सीट देंगे। आखिर के जो पैगाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम जो है उसके अंदर टैलेंट की और जज्बे की कमी नहीं है, सिर्फ उस जज्बे को उस अज़्म को जो है एक रुख देना जो है वो जब हम उसको इनिशिएटिव देते हैं और वो लीडर जो कॉल करते हैं उन्होंने कहा मायूस नहीं किया, हमने भी मायूस नहीं किया, हमने जब कभी भी तुम्हारा है हमारी मदद के लिए पहुँचे और हमने आपकी मदद आपके साथ सारे भी कायम किए और इंशाल्लाह जो उम्मीद है अभी भी पूजा वाला किसानी अपने भाइयों को भूले नहीं है और वो दामे दबे सपने उनकी मदद करते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ नायब अली जमात इस्लामी जिला गुजरा वाला बहुत अली बहुत शुक्रिया आपका। आज और जमात इस्लामी हमेशा मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान के कोने कोने में आपसे रोजा कानून के लिए कारकुनान के लिए इस बार भी मुश्किल किस तरीके आप लोग सबसे आगे नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रशास प्राणी का बहुत बुरा हो गया जितना समाज हो गया जितना अच्छा था कि इस बार बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब, आप तशरीफ लाए, आप हमारे साथ इस सरगर्मी में शरीक हुए और सरगर्मी लोगों को बताने के अंदर साबित हो रही। मैं ये समझता हूँ कि जब बात जमात इस्लामी की जाती है तो सिर्फ खुशी हालात नहीं, कौमी हालात के अंदर भी हमारे लोग और हमारी जमात जो है ये लोगों के अंदर मौजूद होती है और हर दुख और मुसीबत की घड़ी के अंदर जब अमूमन अदारे वो काम नहीं कर पाते वो जमात इस्लामी का कारकुन जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ करता है। इससे पहले कोरोना की वबा के अंदर 2 साल थी जब लॉकडाउन की सूरत थी, लोग घरों के अंदर मुकैद थे, उस वक्त भी हमने तकरीबन 6 करोड़ मालियत का सामान सिर्फ यहाँ गुजरांवाला में उन ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुँचाया था जिनका उन दिनों के अंदर रोटी रोटी का सिलसिला जो है ये बंद हो दिहाड़ीदार हो। इस मुसीबत की घड़ी के अंदर भी लोगों ने देखा कि सिर्फ रिलीफ का काम नहीं, जो रेस्क्यू का काम है वो बिल अमाउंट समझा लिया जाता है, वो ट्रेड लोगों का काम है, सिर्फ तरबियत याफ्ता लोग कर सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी के काम का नाम उनको इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में उनके काम को देखा गया कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर और वसाइल के बगैर जो है उस काम को सरंजाम दिया, लोगों की जानों को बचाया, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के अंदर उनकी मदद की और उसके बाद फिर रिलीफ का काम जब दूसरी जमातें दूसरे सियासतदान जो है वो जिस वक्त ऐलानात कर रहे थे उस वक्त तक जमात 6 अरब का काम जो है उसको डिलीवर कर रही थी। अभी जो है इससे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि इस वक्त लोगों की आबादकारी दोबारा होने लगी है, वो बहुत बड़ा काम है। यही वजह है कि अमीर जमात इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हम गुजरांवाला तशरीफ ला रहे हैं और हमारा उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को इस बड़े चैलेंज से आगाह किया जाए, उन्हें खबरदार किया जाए कि ये बिलाशुबा इस वक्त बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन ये अभी काम लंबा चले और ये जो ज़रूरत है वो तो पूरी हो गई है लेकिन जो लॉन्ग टर्म ज़रूरियात है लोगों की उसके साथ ताउन करने के लिए
उसके साथ खड़ा होने की जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ हुकूमती अदारों या हुकूमतों पर अगर भरोसा किया जाएगा फिर ये काम करना जो है मैं ये समझता हूँ जी कि गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी मजहबी रुझान रखने वाला और दर्द दिल रखने वाले लोगों का जो है ये शहर है, सिर्फ पहलवानों का शहर ही नहीं है, तो ये दिल के भी लोग जो है ये पहलवान हैं। तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि जैसा ये इतने अरसे के अंदर भी बहुत अच्छा जो है लोगों ने हमारे साथ काम किया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं, ये हमारे काम की ये मजबूत अभी बहुत लंबा काम बाकी है और जो हम ओवरऑल इस माशरे की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए, इसको इस्लामी फलाही माशरा बनाने के लिए जो काम करना चाहते हैं उसमें हमें आम तबका के लोगों की ये तावन की जो है वो अशद ज़रूरत है। और लोगों से अपील यही है इस काम को ये ना समझें कि ये सर अंजाम पा चुका है, अभी काम चलना है, तो इसमें हमारे साथ जो है ये तावन।